उर्फी जावेद कौन है? इन्फ्लुएंसर, फैशन आइकॉन और जस्ट अ जोक। उर्फी या फिर इसके जैसे जो सिमिलर फीमेल क्रिएटर्स हैं, इनकी सक्सेस कुछ सवाल रेज करती है। कौन लोग एक्चुअली में फेम डिजर्व करते हैं, किन लोगों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किन चीजों के बेस पे हमें किसी को इन्फ्लुएंसर मानना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर है, दैट मींस कि कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं है। तो ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, व्हाट इज फेम, हिपोक्रेसी ऑफ मीडिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑन सोसाइटी। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो वो लोग ज्यादा फेमस या पॉपुलर हुआ करते थे जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड हुआ करते थे, जैसे महात्मा गांधी, अडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन एक्सेट्रा। ये लोग अपनी कंट्री या फिर अपनी कम्युनिटी में इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहे थे, इस वजह से ये लोग पॉपुलर थे। फिर मूवीज आई तो लोगों ने एक्टर एक्ट्रेसेस को उनके कैरेक्टर के थ्रू रिलेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक्टर्स फेमस होने लग गए। इसके बाद आया सोशल मीडिया स्टार्डम, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, अमित बड़ाना, मोस्टली सीन एक्सेट्रा। इससे हुआ क्या कि हमारे जैसे लोग भी अब फेमस होने लगे थे, यानी वो लोग जिनका कोई फिल्म में बैकग्राउंड नहीं है। इससे एक और डेफिनेशन सेट हुई, हार्ड वर्क प्लस गुड कंटेंट इक्वल्स टू सक्सेस ऑन सोशल मीडिया। अब 2016 में लॉन्च होता है टिकटॉक और पूरी इक्वेशन चेंज हो जाती है। टिकटॉक क्विक अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट को प्रमोट करता है, और ऐसी सिर्फ 3 चीजें होती हैं, पहला लस्ट, दूसरा money/power या फिर क्रिंज। इन 3 में से किसी एक चीज को लेके अगर कोई इंसान वीडियो बनाता था तो उसकी वायरलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। तो बहुत सारी फीमेल क्रिएटर्स ने लस्ट के ऊपर कैपिटलाइज करा, मींस कि अपनी बॉडी को अपने कंटेंट के रूप में दिखाना। आप भले ही डांस करो या कुछ और करो, बट आपका टारगेट दिखाने का कुछ और होता था। इससे हुआ क्या कि ऐसे क्रिएटर्स को फेम तो जल्दी मिल गया, लेकिन इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एज अ कंटेंट यूज करा है तो आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहेगा कि थोड़ा और कुछ प्रोवोकिंग करो ताकि लोग तुम्हें और देखने आए। इसका अगर क्लियर एग्जांपल देखना है तो सोफिया अंसारी का इंस्टाग्राम पेज है। पहले वो कैसी फोटो डालती थी और अब कैसे डाल दिया। एक और प्रॉब्लम होती है ऐसे क्रिएटर्स की, डिप्रेशन की। बेला पोर्श एक काफी फेमस क्रिएटर है, जो कि फेमस तो बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन उसके पास जब कोई फैन इंटरेक्शन के लिए जाता था इन रियल लाइफ तो फिर वो कुछ बोलते नहीं थे, उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है। तो ऐसे जीने से जब तुम कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और, तो तुम लोनली, सैड, डिप्रेस और डिटैच फील करने लगते हो। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन क्रिएटर्स को फेस करनी पड़ती है, जैसे रिलेशनशिप वगैरह की। बट क्विक फेम और मनी के लिए बहुत सारी चीजें ये लोग साइडलाइन कर देते हैं, और इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि कई ऐसे क्रिएटर्स सुसाइड तक कर लेती हैं। अब अगर कंपैरिजन करें तो पहले उन लोगों को फेम मिल रहा था जो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे थे, अब सिर्फ अटेंशन के पीछे भागा जा रहा है और हार्डवर्क की जगह अपने बॉडी को ही कॉन्टेंट बना दिया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, हिपोक्रेसी ऑफ मीडिया। गूगल पे अगर सर्च करो उर्फी जावेद तो तुम्हें बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिनमें इसको बोल्ड और कॉन्फिडेंट बताया जा रहा है, क्योंकि ये रिवीलिंग कपड़े पहनती है, और यही सेम मीडिया है जो बोलता है कि किसी के कपड़ों को लेके उसको जज नहीं करना चाहिए। यानी एक तरफ तुम इसे नॉर्मलाइज करके दिखाना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम इसको सेंसेशनलाइज करके बेच रहे हो। वेल, इंडियन मीडिया दुनिया के सबसे वर्स्ट मीडियाज में से है, तो ऑब्वियसली ये चीप हरकतें तो ये करेंगे ही। एक और वर्ड इनको बहुत प्यारा है, बी योरसेल्फ। तो जो भी ऐसी फीमेल क्रिएटर्स होती है, इनको ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं शॉर्ट ड्रेस पहन के। ये बहुत ही घटिया टैक्टिक है मीडिया की, अपने पेड आर्टिकल्स को फेमिनिज्म की शैडो में बेचने का। मैरी कॉम ने ओलंपिक में मेडल लिया था, उनके ऊपर इतने आर्टिकल्स नहीं लिखे गए थे जितने उर्फी के ऊपर लिखे जाते हैं, वहां पे इनको फेमिनिज्म याद नहीं आता। बोल्ड और कॉन्फिडेंस का झूठा टैग लगाया जाता है इन क्रिएटर्स के ऊपर, इन रियलिटी ये लोग बस फेम और मनी चेज कर रहे हैं। बट ये बात आर्टिकल्स में लिख नहीं सकते डायरेक्टली, तो इन लोगों को शुगर कोट करना पड़ता है। सैड रियलिटी इज, मीडिया के पास पूरा टाइम है इनको कवर करने का, बट एक्चुअली में हार्ड वर्किंग औरतों को हार्डली कोई रिकॉग्निशन मिलता है। मेरी शादी की परिवार वाला बहुत दुखी था, सही से खाना पीना नहीं मिलता। लाखों करोड़ों औरतें रोज जॉब के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनको कभी ये लोग कवर करके बी और सेल्फ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनसे TRP नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इन चीजों का इंपैक्ट क्या होता है। जो ये फेक नैरेटिव चलाता है मीडिया अबाउट फेमिनिज्म, सोचो कोई यंग एज की लड़की अगर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ रही है तो उसके दिमाग में क्या जाएगा कि शॉर्ट ड्रेस पहनना कोई रिबेलियस काम है। आप फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हो अगर आप रिवीलिंग ड्रेसेस पहन रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्रिएटर्स जो भी कर रहे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, ऐसा कुछ भी इनके दिमाग में नहीं होता। भले ही बाद में मीडिया इनके ऊपर ऐसा पेंट कर दे, बट इन रियलिटी ऐसा है नहीं। तो इस झूठी मीडिया की हाइप और एड रन करने से इनको इतनी ऑडियंस मिल जाती है कि लोग इनको इन्फ्लुएंसर कहने लगते हैं, इनके फैन पेजेस बन जाते हैं, इनको ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। तो क्या बस लार्ज फॉलोइंग से और ब्रांड डील मिल जाने की वजह से हम किसी को इन्फ्लुएंसर बोल दें? सिंपल हिंदी में बोलूं तो एक इन्फ्लुएंसर वो होता है जो कि अपने थॉट्स और अपने एक्शन के द्वारा तुम्हारी लाइफस्टाइल में चेंज ला सकता है, तुम्हें इंस्पायर कर सकता है अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए। तो ऑलवेज चूज वाइजली आप किसको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जैसा कंटेंट तुम कंज्यूम करोगे वैसे ही तुम बन जाओगे।
एक और चीज़ तुम ऐसे क्रिएटर्स के बारे में नोटिस करोगे कि ये लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ही बेकार कमेंट्स आते हैं, विच इज़ ट्रू, कई कमेंट्स सही में बहुत बेकार होते हैं। बट आपको भी ये देखना चाहिए कि आपने किस तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट करा है। आपकी ऑडियंस डांस या सिंगिंग देखने नहीं आई है, वो बॉडी देखने आई है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ही प्रमोट करा था। और ये बात ये लोग भी जानते हैं कि जो लोग उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं वही लोग इनको बार बार देखने भी आते हैं। एक चीज़ बोली जाती है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज स्टिल अ पब्लिसिटी, तो लोग इनके ऊपर रोस्ट बनाएं या इनका मजाक उड़ाएं, वो फिर भी इनको फेमस ही कर रहे हैं, जो कि इवेंचुअली ये लोग चाहते भी हैं। एक सेकंड, इससे पहले तुम इस वीडियो को बंद करो, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और आई एम होपिंग कि अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो शायद तुम्हें पसंद भी आई होगी। तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट और फ्यूचर में बनाता रहूँगा। सो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।